हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 65 तक डिस्कशन कर लिया था और ये मैं आपको आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्वेश्चंस का पेपर सॉल्यूशन, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन, असिस्टेंट इंजीनियर नर्मदा। इन लास्ट वीडियोस वी हैव कंप्लीटेड अप टू 65 क्वेश्चंस एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 66 से सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है वो आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलता है। इफ़ एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज़ कवर बाई गैल्वेनाइज आयरन सीट, इफ़ नो स्नोफॉल इज़ एक्सपेक्टेड इन दैट एरिया, देन द मिनिमम पिच शुड बी, मिनिमम पिच कितना होना चाहिए। दोस्तों तो मिनिमम पिच जो है वो 1/12 ऑफ द स्पान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली, यहाँ पे कौन सा जो है करेक्टली मैच किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, क्वाड्रेंगल इज रिलेटेड विथ मीडियम पिच। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, द कॉलेप्स लोड ऑफ ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर ऑफ अ स्पान आई सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज, कॉलेप्स लोड जो है वो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में कितना होता है। तो आंसर जो है वो डी करेक्ट होगा, 11.656 एम पी अपॉन आई। 11.656 MPa/I। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, द अपर इल्ड पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन अ स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी अवॉइडेड बाय, अपर इल्ड पॉइंट जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में किसके द्वारा अवॉइड किया जाता है। तो ऑप्शन सी बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हॉट वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, पॉइजन्स रेशियो फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज में स्ट्रक्चरल स्टील का पॉइजन्स रेशियो कितना होता है। दोस्तों तो पॉइजन्स रेशियो प्लास्टिक रेंज में 0.5 होता है, इलास्टिक रेंज में दोस्तों पॉइजन्स रेशियो इलास्टिक रेंज में 0.3 होता है और नॉर्मल जो होता है वो 2.8 होता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन एनी डायरेक्शन इन ए रिटेनिंग वॉल इज, रिटेनिंग वॉल के किसी भी डायरेक्शन में मिनिमम परसेंटेज ऑफ माइल्ड स्टील कितना होना चाहिए। तो दोस्तों 0.15% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, नॉर्मली काउंटर फोर्ट इन द रिटेनिंग वॉल आर स्पेस एट द इंटरवल ऑफ, रिटेनिंग वॉल के अंदर जो काउंटर फोर्ट है वो कितने इंटरवल पे स्पेसिंग, उसकी स्पेसिंग होती है। तो 1/3 to 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ वॉल। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, इफ़ पी इज़ अ नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइड बी फॉर अ स्क्वायर कॉलम ऑफ साइड ए, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, PBB-A2/8। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, टू वे सीयर इन RCC फुटिंग इज चेक एट ए डिस्टेंस इक्वल टू, टू वे सीयर जो है वो RCC फुटिंग में 1/2 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ के 1/2 डिस्टेंस पे हम लोग चेक करते हैं टू वे सीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल इज यूजली गवर्न बाई, प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल में कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, हैंडलिंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 76 CPM से है ये क्वेश्चन, इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन ड्राॅइंग ए नेटवर्क इज, ऑप्शन ए करेक्ट है, नो एक्टिविटी कैन बी स्टार्ट अनटिल ऑल द प्रीवियस एक्टिविटी इन द सेम चेन कैन बी कम्प्लीटेड, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं किया जा सकता है कब तक, जब तक कोई प्रीवियस एक्टिविटी कम्प्लीट नहीं हो जाती है उसी सेम चेन की। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ पॉपुलर वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर एंटिटीज एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड एज, किसी भी पर्टिकुलर एंटिटीज़ की जो वैल्यू है बिना डिसमेंटल किए बिना तोड़े उसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इन पार्ट द क्रिटिकल पाथ रिप्रेजेंट द, क्रिटिकल पाथ क्या रिप्रेजेंट करता है पार्ट एनालिसिस में। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ए बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा, जिसमें
The longest path of the network from the initial to final event. Critical path होता है दोस्तों, वो होता है longest path. किसी भी network का सबसे longest path होता है, उसको हम लोग बोलते हैं critical path. Question number 79 की बात करते हैं. The probability distribution taken to represent the completion time in PERT analysis. PERT analysis में probability distribution जो है वो किससे represent किया जाता है? तो दोस्तों option C इसका correct हो जाएगा, beta distribution. क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं. द ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइटली एंड प्रिज्मेटिक टाइम ऑफ एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी आर 5, 10 एंड 21 डेज. व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो एक्सपेक्टेड टाइम जो दोस्तों क्या होता है, टीपी प्लस 4 टीओ प्लस टीएम डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम का. स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो टीपी माइनस टीएम डिवाइड अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का. तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ रहा है. कैसे ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है वो भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम टीओ जो है वो 5 दिया है, मोस्ट लाइकली टाइम टीएम जो है वो हमें 10 दिया है, और प्रिज्मेटिक टाइम टीपी जो है वो हमें 21 दिया है. कैसे करेंगे दोस्तों? तो हमें पता है फॉर्मूला टीपी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टीपी प्लस 4 टीएम प्लस टीओ डिवाइडेड बाय 6. टीपी हमें दिया है 21, तो 21 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5. 21 प्लस 4 इंटू 10 एटले 40 हो जाएगा, और 5 डिवाइडेड बाय 6, तो 20 61 और 65 डिवाइडेड बाय 6 कर दो प्लस नियरेस्ट आ जाएगा 60 करीब, 66 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 11. तो और इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की बात करते हैं. द स्टोरी सॉफ्ट स्टोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी इन. सॉफ्ट स्टोरी जो है वो सॉफ्ट स्टोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी इन स्टिफनेस. स्टिफनेस में हम लोग सॉफ्ट स्टोरी को ध्यान लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की बात करते हैं. इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम शैल बी डीप deemed to be the deep beam when the ratio of the effective span L to the overall depth D is. Simply supported में यदि deep beam है तो वो उसका effective span to overall depth का जो ratio है वो less than 2 आता है. दोस्तों simply supported में less than 2 आता है. क्वेश्चन में 83 की बात करते हैं. इन द वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन इफ द मॉडुलर रेशियो इज M एंड द स्टील रेशियो इज R, द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कॉन्स्टेंट के इज गिवन बाई. क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो हो जाएगा वो एम अपॉन एम प्लस आर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 84. एक्सपांसन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ ए कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड. यदि कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो है 45 मीटर से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम लोग एक्सपांसन ज्वाइंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं. इन केस ऑफ द स्टैगर्ड पिच विच मे बी डैश ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाई फॉर द नॉट स्टैगर्ड पिच. 50% उसके अंदर हम लोग जो है ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं. स्टैगर्ड पिच में 50% जो है वैल्यू नॉर्मल पिच के कंपैरिजन से हम लोग बढ़ा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 86. स्लैक इज गिवन एज अ डिफरेंट बिटवीन. स्लैक क्या होता है? तो स्लैक जो है वो लेटेस्ट अलेबल टाइम और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैक. क्वेश्चन नंबर 87. इफ़ द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज जीरो द चांस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट.